आप लोग मुझे अलीजे कहते हैं और आप देख रहे हैं अलीजे चौधरी ऑफिशियल। कैसी चल रही है जी लाइफ? और कोरोना जाते जाते फिर आ गया, कुछ केसेस सामने आ गए तो लोग दोबारा से परेशान हो गए, उन्होंने फिर से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी। अच्छा, शॉपिंग से मेरे जहन में एक चीज़ आई है, वो ये है कि क्या आप भी मेरी तरह बाहर जाने के लिए बेकरार हैं? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का वो मज़ा आता ही नहीं है, जो शॉप पे जाके 10 चीज़ें देखने के बाद कोई एक चीज़ लेते लेते रह जाने वाली कैफियत होती है ना, वो एक अलहदा वाली कैफियत है जिससे सिर्फ खवातीन ही आई गैस वो हैं। क्योंकि मर्द तो क्या करते हैं, पहले एक लिंक आया सामने, उसको देखा, बस ठीक है दो ऑर्डर कर दो, एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ कलर्स में ऑर्डर कर दिया, शॉपिंग हो गई। मैं तो खैर ऐसे मर्दों को जानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि जिनमें मेरे अपने भाई भी शामिल हैं, जो कि कोई भी मार्केट लाहौर की नहीं छोड़ते, जिसको ढूंढ के चप्पा चप्पा फिर उन्होंने चीज़ लेनी होती है। एनीवेज, शॉपिंग पे वापस आ जाते हैं और बात करूंगी ख्वातीन के हवाले से। अच्छा जी, आज हमने जिस चीज़ के बारे में बात करनी है, ख्वातीन गौर से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अहम चीज़ें होने वाली हैं जो आपके लिए बड़ी अच्छी हैं और बड़ी फ़ायदेमंद है। वो इस तरह कि आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि कॉस्मेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट लिप कलर एंड लिपस्टिक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपने बहुत बड़े किसी उससे भी मेकअप करवाया हुआ है, किसी आर्टिस्ट से, बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन आपका लिप कलर अच्छा नहीं है या अभी नहीं अप्लाई हुआ, तो आपका सारा मेकअप डल है। अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी है कि आपको लिपस्टिक का जो शेड है वो मौका महल की मुनासबत से या फिर इस तरह इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो आपके कपड़ों से बिल्कुल मैच करता हो, यानी ये नहीं कि आपने ऑरेंज ड्रेस पहना है तो ऑरेंज ही लगा लें, मतलब उसके साथ जा रहा हो, अच्छा लग रहा हो। सो ये चीज़ें कुछ मौका महल त्यौहार के हवाले से की जाती हैं। लिपस्टिक के हवाले से आज की वीडियो है और एक ऐसी ब्रांड के बारे में आपको बताऊँ, रिव्यू करने जा रही हूँ मैं, जो कि बेहद बजट फ्रेंडली है, रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई ऐसी लड़की होगी जिस जो इससे फेमिलियर नहीं होगी, या अगर उसने इस्तेमाल नहीं की तो एटलीस्ट उसने अपनी चची, मामी, मदर, किसी ना किसी के मेकअप पाउच में या उसके जो भी ड्रॉअर मेकअप का होता है उसने ये प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक ज़रूर देखी होगी, आई मीन ये ब्रांड जरूर देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेडोरा लिपस्टिक्स के हवाले से। मेडोरा एक ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है, मेड इन सवात है बेसिकली ये, और आपको बताते चलें कि टोटली हलाल लिपस्टिक्स होती हैं इसकी, और इन्होंने अपने जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं लिपस्टिक्स के या जो भी प्रोडक्ट इनका आप उठाएं उसके, वो बॉक्स के बैक पे मेंशन किए होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ये सेफ़ है क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि आई हैव बिन यूजिंग दीज लिपस्टिक्स फॉर 8-9 ईयर्स। अब मेरे जो लिप्स हैं परफेक्टली फाइन है, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मतलब आई एम गोना टेक माई वर्ड्स। सो ये है कि प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब लोग सुनी सुनाई बातों पे किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते और इस दौड़ में चल जाते हैं, हाँ ये हमें तो डियोर की लिपस्टिक यूज़ करनी है, हम तो लैक्मे यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने डियोर की लिपस्टिक यूज़ की, मैं अगली कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगी, मैं एक कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेडोरा लिपस्टिक्स का, रिवाज लिपस्टिक्स का, और उसका वो बाद में करेंगे, लेकिन मैं अभी से आपको मैं टीज़र दे रही हूँ आपको। आज मेडोरा लिपस्टिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यकीन कीजिए इसमें एक ह्यूज रेंज ऑफ शेड्स है, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। हलाल है, मैंने आपको बताया, सेफ़ है, आपके लिप्स ब्लैक नहीं होते, ख़राब नहीं होते। अच्छा, फिर इसमें आपको ग्लॉसी शेड्स भी मिलेंगे, आपको मैट भी मिलेंगे, और आपको नॉर्मल वो जो एक होता है पिगमेंटेड वो भी मिलेगा। सो अब बात ये है कि इसमें कौन से शेड्स लिए जाएं, क्योंकि इतने शेड्स हैं कि बंदा पागल हो जाता है। सो मैंने सोचा कि मेरे ख्याल से जो मेडोरा लिपस्टिक्स में मस्ट हैव है शेड्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाए, मस्ट हैव्स। सो अच्छा, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो एंड पे मैं आपको एक ऐसे लिप कलर के बारे में बताऊंगी जो कि हर लड़की पागल हो जाती है परफेक्ट रेड कलर ढूंढने में, क्योंकि रेड कलर की लिपस्टिक ऐसी लिपस्टिक है जो कि अगर प्रॉपर ना हो जैसी आप चाह रही हैं तो आपको मज़ा नहीं आता। कुछ लोगों को शार्प रेड पसंद होता है, कुछ को पिंकिश रेड पसंद होता है, कुछ को डीप रेड पसंद होता है, जैसे मुझे डीप रेड पसंद है, और ये कलर्स ढूंढने में बहुत मतलब मसला आ जाता है क्योंकि आपको इतने सारे कलर्स देखने पड़ते हैं, रेड 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 आपके बाजू या हाथ पे हो जाता है, फिर कहीं जाके आप लेते हैं और घर आके आप कहते हैं ओहो ये तो वो नहीं था। सो मैं आपको बताने जा रही हूँ मेडोरा इस कंपनी के अफोर्डेबल, रीजनेबल, सस्ती लिपस्टिक में बेहतरीन रेड कलर, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं लिप कलर के हवाले से। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि सबसे पहली लिपस्टिक है मेडोरा की 236।
इसके स्वेचेस भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। 236 मैट, इट्स टेंडर पीच। ये टेंडर पीच उर्दू में नर्म पीच, नर्म आड़ू। आपको बताएं कि ये जो ओरिजिनल एक कलर होता है ना पीच का, जो सही वाला होता है, जिसपे कलर नहीं हुआ होता, जो सवात या बालाकोट में होते हैं वो वाला शेड है उसके, जो उसका पीज का होता है, ये इतना खूबसूरत है, ये इतना खूबसूरत है कि अगर आप इसको डेली लगाएंगे, ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रहे हैं, आप ये कलर लगा लें, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप फैन हो जाएंगे। ठीक है, ये सांवले रंग पे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी आउटलाइन अगर ऐड कर ली जाए, और जिनका फ्रेश कलर है वो तो बस वैसे ही इसको अप्लाई कर लें तो बहुत ही कमाल लगेगा। अच्छा, ये एक वाहिद लिप कलर है जो मेरा खत्म होता है, अदरवाइज मेरी लिपस्टिक हाफ ऑफ रहती हैं और वो एक्सपायरी डेट आती है मैं फेंक देती हूँ। ये वाहिद एक ऐसा शेड है जो कि मेरा हमेशा खत्म होता है। अच्छा, उसके बाद आपको बताएं कि बहुत से लोग होते हैं जिनको थोड़ा शार्प ऑरेंज अच्छा लगता है, जो कि सूदिंग भी हो देखने में, जो कि मैंने अभी भी अप्लाई किया हुआ है। ये है जी 711 यानी 711 सेमी मैट है ये, और जैज ऑरेंज है, जैज ऑरेंज, जैज वालों की वो तो नहीं हो रही, एनीवेज 711 सेमी मैट है ये, और सेमी मैट में ये कलर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, मज़ेदार सा, ये आप विंटर्स में लगाएं बड़ा अच्छा लगता है, ब्लैक सूट अगर आपने पहना है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए ये बता दूं कि ये सांवले कलर पे इतना अच्छा नहीं लगता। दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है उन लोगों के लिए भी, मैं बता रही हूँ कलर आपका जैसा भी है, सिर्फ निखरा होना चाहिए, आप उसमें हसीन लगते हैं। देन आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल शेड, इट्स मैट 219 और ये है स्टाइलिस्टा इसका नाम है, और ये स्टाइलिस्ट का बड़ा फेवरेट कलर होता है। मैं आपको बताऊँ, आपने अक्सर रैंप वॉक में देखा होगा मॉडल्स को, उन्होंने एक शॉकिंग सब पिंक लगाया होता है, इसलिए इसका नाम शायद स्टाइलिस्टा है। इसका नंबर है 219 और ये कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये अक्सर मैंने लगाया होता है। अच्छा, लिपस्टिक के हवाले से जो लोग मुझे काफ़ी जानते हैं वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि लीजिए लिपस्टिक से कलर बहुत सोच सोच और ढूंढ ढूंढ के लगाती है, सो मैं बड़ा टाइम लगाती हूँ इन चीज़ों पे। ये एक ऐसा शेड है जो सांवले, गोरे, काले, नीले, पीले, हर रंग पे अच्छा लगेगा, और यकीन कीजिए कि जब आप लगाएंगे आप खुद को फ्रेश फील करेंगे। विंटर्स जैसे अभी मौसम बदलेगा, आज तो है बहुत गर्मी है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलेगा आप देखिएगा कि जस्ट आपने बीबी क्रीम अप्लाई की, मस्कारा लगाया और ये लिपस्टिक लगाई, एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा, देन वी हैव अ कलर, इट्स 564 मैट है ये, और इसका नाम है मिस्टी रोज। ये लाइट सा फ्रेश पिंक है, ये देखें फ्रेश पिंक है, ये बहुत बहुत लाइट सा अच्छा सा है, जैसे एक पिंक रोज होता है उस टाइप का है, इसको टी पिंक नहीं कह सकते आप, थोड़ा सा उससे शार्प है, लेकिन ये भी एक ऐसा कलर है। मेरे पास ज़्यादा आपको मैट में शेड्स इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि ये थोड़े से पिगमेंटेड होते हैं, मैट में भी बिल्कुल ड्राई नहीं होते, आपके लिप्स को ख़राब नहीं करते, सो मुझे ये पर्सनली मैट में ज़्यादा पसंद है, और एक या दो ही मेरे पास हैं तो बहुत सारी, लेकिन ये मस्ट हैव्स हैं जो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, 564 मैट मिस्टी रोज है ये भी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब रेड कलर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो पांच कलर्स मैंने आज आपको बताने हैं, जिनमें से चार बता चुकी हूँ, ये कलर्स ऐसे कलर्स हैं कि अगर ये आपके पास हैं तो ट्रस्ट मी, कोई इवेंट, कोई फंक्शन, कुछ भी, आपको उस पर ये परेशानी नहीं होगी कि मैं कौन सा लिप कलर अप्लाई करूँ। और 150 रुपये में ये लिपस्टिक मार्केट में आपको मिल जाती है, किसी भी अच्छे स्टोर से लीजिएगा, कॉस्मेटिक्स हमेशा अच्छे स्टोर से लिया करें। अच्छा, फिर ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, आप इनको अपने बैग में, पॉकेट में रख सकते हैं, आप छोटे से पाउच में भी इसको कैरी कर सकते हैं, और ये पांच ऐसे कलर्स हैं कि आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब ये इस कंपनी में, अच्छा जो मैंने आपको मिस्टी रोज बताया, आपको बताती चलूँ कि सेम ये आपको लैक्मी में भी कलर मिलेगा, और उसका नाम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, सेम यही कलर है, और 19-20 के फर्क के साथ आपको ये कलर 150 रुपए में और कहाँ यू नो लैक्मी के प्राइस में मिलेगा। सो अब आते हैं हम रेड कलर की लिपस्टिक के बारे में। ठीक है, वो मर्द हजरात जो कि शायद ही वीडियो देख रहे हो, यकीनन देख रहे होंगे, खवातीन की ऐसी चीज़ों के बारे में वो भी देखते हैं, सारे आपने अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी देने होते हैं, मंगेतरों को देने होते हैं, अच्छा सोचे बीवी को भी देना होता है। सो रेड कलर एक ऐसी चीज़ है जो मर्दों को बहुत पसंद होता है, और जब उन्हें पूछो कि कौन सा लिप कलर लगा लें, रेड लगा लो, ये एक बात होती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड हालांकि उनका काम ही ये सारा है, डायरेक्टर हैं, तो उनको पता होता है कि कौन सा मेकअप किस चीज़ के साथ जाएगा और सब चीज़ें, लेकिन लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है कि मैं उनसे जब भी पूछूं कि हस्बैंड क्या लगा लूँ इसके साथ, जैसे अपनी
रेड लगा लो, मुझे फिर इतनी चिड़चिड़ती है, मैं कहती हूँ और कोई कलर आपको नहीं आता लिपस्टिक का। सो ऐसे तमाम मर्द हजरात वीडियो देख रहे हैं तो बताएं कि ये कलर है जी रेड, इट्स डीप रेड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये इतना अच्छा है, ये रेड होने के बावजूद इतना अच्छा, इतना मर्ज्ड, इतना सूदिंग लगता है कि वो नहीं लगता कि एक वैम्पायर आ गई है शर्ट लगाकर। इसका नंबर है जी, दिल को थाम लीजिए, मैं आपको 150 रुपए में एक डीप रेड कलर, एक अच्छी लिपस्टिक जो आपके लिप्स के लिए भी अच्छी है उसमें बताने जा रही हूँ। इट्स रेड राइवल, हाँ जी रेड राइवल इसका नाम है, 206 ये नंबर है, मेडोरा में 150 रुपए में आपको डीप रेड कलर मिल जाएगा, आपको और क्या चाहिए। और आप यकीन कीजिए कि ये 5 लिपस्टिक्स जो हैं अगर आपके पास हैं तो आपको बिल्कुल ये नहीं दिल में सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास फला शेड होता। अच्छा एक काम और किया करें, आप इन कलर्स को मिक्स किया करें, जब आपने देखा होगा मेकअप आर्टिस्ट या कभी किसी ब्यूटिशियन से आपको तैयार होने का मौका मिला होगा, वो लिपस्टिक को हमेशा मिक्स करके शेड्स बना लेते हैं, जैसे कि अगर आप पिंक और पीच को मिक्स करते हैं तो आपका बहुत सूदिंग सा एक शेड बन जाता है। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए तो आप ग्लॉस ऐड कर सकती हैं उससे, और ग्लॉस हमेशा ऐड करते हुए सिर्फ लिप्स के दरमियान वाले एरिया पे लगाते हैं, पूरे लिप्स में लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, वो बाहर निकल आएगी। ठीक है, आउटलाइन का इस्तेमाल जरूर किया करें क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ये होता है आपकी प्रॉपर एक शेप बन जाती है। लेकिन हाँ, वो ये नहीं करना कि आप ब्राउन आउटलाइन लगा ले और रेड लिपस्टिक हो, ऐसा नहीं, सेम कलर की लिपस्टिक के साथ अगर आप वो लगाएंगे आउटलाइन तो आपकी लिपस्टिक्स और ज़्यादा अच्छी लगेंगी, शेड्स और निखर के आएंगे और आपके चेहरे पे और ज़्यादा अच्छा तासुर देंगे। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वो तमाम लड़कियाँ जिनका बजट सिर्फ 1000 रुपये का था या 1500 रुपये का था वो तो फौरन निकलेंगी और कहेंगी कि ये लिपस्टिक्स आज ही हम ले आए। सोचिए ना, 150 रुपये की एक लिपस्टिक है तो 5 लिपस्टिक्स कितनी सस्ते में आपको मिल जाएंगी और आपके लिप्स के लिए भी किसी तरह हार्मफुल नहीं है। सो ये मेरा रिव्यू है मेडोरा लिपस्टिक्स के हवाले से, जो कि हाईली रिकमेंडेड है अगर आप बहुत ज़्यादा आपके आपका बजट नहीं है और आप अपने शेड्स को रखना चाह रही हैं, यानी आपकी उसके पास कलेक्शन में इजाफा हो तो आप जाकर बाय कर सकती हैं। एक चीज़ और, अगर आप लोगों को डीप रेड लिपस्टिक पसंद नहीं है, पिंकिश रेड पसंद है, तो आप मेडोरा का 222 शेड लेंगे तो वो भी परफेक्ट है। वो मेरा भी खत्म हो गया वरना मैं आपको जरूर वो भी दिखाती। सो ये लिपस्टिक्स हैं, अगर आपके पास हैं तो आपकी ज़िंदगी मज़े में, आप कहीं भी निकल सकते हैं आराम से। और मेकअप को अपने हवाले से इस्तेमाल किया करें, अपनी रंगत के हवाले से, अपने मौका महल मुनासबत जहाँ आप कहीं जा रहे हैं उस हवाले से। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ। सो आपने ये नहीं करना कि बस अलीजे ने बताया था तो हमने लगाना ही है, पता चले कि आप खुदा नखास्ता कहीं अफसोस करने जा रहे हैं और आपने रेड लिपस्टिक लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं और इन 5 कलर्स में से कौन सी चीज़ उस चीज़ के साथ जाती है। सो ये चीज़ हमेशा जहन में रखा करें क्योंकि मेकअप एक आर्ट है, ये बस ये नहीं है कि मुंह पे एक चीज़ लिप ली और बस काम हो गया, ऐसा नहीं होता। मुझे अलीजा चौधरी कहते हैं और आप अलीजा चौधरी ऑफिशियल देख रहे हैं। कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेडोरा का कौन सा लिप कलर आपका फेवरेट है, शायद मुझे भी आप लोग, बल्कि यकीनन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। लाइट शेड्स मुझे बहुत पसंद है, अगर किसी के पास कोई बहुत अच्छा इस बारे में शेड है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।